खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती बुधवार की रात चोरों ने दो घरों से नकदी सहित लाखों का सामान पार कर दिया। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के तरौजा मजरे कुंभी हरिद्वार पुत्र हीरालाल व सरजू पुत्र हीरालाल के घर बीती बुधवार की रात चोरों ने छत से उतरकर घर में रखे जेवरात सहित लाखों रुपए पार किए। हीरालाल ने बताया कि हम लोग घर के बाहर हो रहे थे, तभी छत से उतरकर बक्से में रखे सोने की मांग में दी। मंगलसूत्र, झुमकी, बेसर, पायजेब, करधनी सहित 9000 रुपए नगद ले गए। सरजू की पत्नी सीमा ने बताया कि एक दिन पहले बैंक से 50000 रुपए निकाल कर लाई थी, नकदी सहित जेवरात ले गए हैं। परिजनों ने बताया कि हम सभी लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए, गहरी नींद आने के चलते हम लोग नहीं जान पाए। सुबह जब नींद खुली तो देखा कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, परिजनों के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली, जांच की जा रही है, बहुत जल्द चोरों को पकड़ने का काम किया जाएगा। क्या नाम है दादा, क्या मामला हुआ है? हमारा नाम हरिद्वार है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम करौंदा के रहने वाले हैं। हाँ, क्या मामला हुआ है? हमारे यहाँ रात को चोरी हुई 12-1 बजे के बाद। अच्छा। हम लोग सुबह उठे तो देखे पूरा सामान बिखरा पड़ा है, फिर देखा सामान पूरी जेवर हमारी गायब है, 9000 रुपए एक जगह रखा था वो फिर चला गया। हमारे दूसरे भाई के यहाँ मतलब पूछे, उनके यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग बैंक से पैसे लाए थे, ऑपरेशन ना कारण। कितना पैसा लाए थे? 50000 रुपए। तो और क्या क्या गया? और इनके पाल वाल सब सारे निकल गए। आपके यहाँ क्या गया? हमारे यहाँ पूरी जेवर गई हमारी। और क्या क्या गया? क्या हमारे यहाँ मंगलसूत्र, झुमकी, करधनी, पाजेबे, पाजेबे और 9000 रुपए लगा था। आपके यहाँ क्या नुकसान हुआ? हमारा तो चावल बिखरा है, पाल वाल सब गए हैं और पैसा गए हैं। 50000 कितना रहा? 50000। क्या नाम है आपका? सीमा। तो कितने समय हुई लगभग चोरी? रात में। अच्छा, तो फिर पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, सूचना दिया था। तो क्या बोले पुलिस वाले? क्या कहा? कुछ कहा? पुलिस को सूचना दिया था आपने? हाँ, सुबह 100 नंबर को फोन किया, 100 नंबर आए। उसके बाद फिर 100 नंबर वालों ने 100 साहब को फोन किया, 100 साहब आए। फिर 100 साहब उनको बताया कि आप आइए थाने में अप्लीकेशन दीजिए, हमने वहाँ अप्लीकेशन दिया। अच्छा। उन्होंने कहा देखो आपके सामान तो मैं दिला नहीं सकता हूँ, आप जिसको कहना चाहते हो आप जानते हो उसको हमको बताइए, तो हम किसको बताते। क्या और क्या कहा? और कुछ नहीं कहा।